फ्रेंड्स तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग को जरूर इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग डिफरेंशन टॉपिक ले रहे हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 10D। जो जो अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। डिफरेंशन का 29 वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 29 वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर गया मिटाने वाला। तो पिछले वीडियो में मैं कितना नंबर तक बताए थे, 30 नंबर तक बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स 31 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 नंबर में क्या लिखा है, वाई बराबर साइन इनवर्स क्या लिखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है रूट के अंदर। ठीक है फ्रेंड, ये लिखा है, आप लोग को जरूर दिखाई देता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग किताब में देख लीजिएगा, यही होगा क्वेश्चन 31 10D का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर tan थीटा मानते हैं तो हम लोग का यहाँ पर cos थीटा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan थीटा मानते हैं, लेट x बराबर tan थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तुरंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए y बराबर sin इनवर्स 1/1 प्लस एक्स, जहाँ पर हम वहाँ पर tan थीटा लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y बराबर साइन इनवर्स देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद देखिए ये तो tan का फॉर्मूला है, तो 1 + tan² θ बराबर क्या होता है sec² θ। ठीक है, तो यहाँ ये रूट के अंदर आया तो 1/sec² θ हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तब। ठीक है, तो y बराबर फिर हो जाएगा साइन इनवर्स cos थीटा, ये हो जाएगा, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए तो y बराबर हो जाएगा ये साइन इनवर्स cos को साइन में कैसे चेंज करेंगे, देख जैसे कि साइन 90 - θ, इसको रेडियन में ही लिख देते हैं। ठीक है, साइन 90 - θ बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बनाते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए, तो क्या बचेगा, y बराबर π/2 - θ। अब थीटा का मान फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं क्या है, क्या है, π - 2 - tan inverse x, कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देख लीजिए इसको इस तरफ थीटा का लाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx y का डिफरेंशिएशन dy/dx, π/2 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 को तो नहीं लिखेंगे, माइनस, और tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला ही होता है, ये होता है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को पसंद आया होगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आगे हम लोग बनाते हैं 32 नंबर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बड़ा सा एक तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा आया, कैसा समझ में आया। ठीक है, तो चलिए 32 नंबर क्या है, y बराबर sec इनवर्स x² + 1/x² - 1, यही है। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में या कई अनेक वीडियो बनाए हैं डिफरेंशन का, जो कि मैं टेक्निक जो बताया था, जैसे कि sec इनवर्स
सेक रहेगा, कोसेक रहेगा, कॉट रहेगा, तो इसको कॉट को टेन में चेंज करना है, कोसेक को साइन में, और सेक को कॉस में चेंज करो, ठीक है? क्योंकि अक्सर हम लोग इसके इसमें फार्मूला नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हर बार ट्रिगो में फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, सेक को कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको चेंज करना है कॉस में, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा ही कॉस होता है, ठीक है? सेक का ही उल्टा कॉस होता है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया फ्रेंड्स। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे कि ये, अब इसको हम लोग यहाँ पर अक्सर हम लोग देखें फॉर्मूला कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा हाफ एंगल के फॉर्मूला में हम लोग चार फॉर्मूला पढ़े, चारों में कोई अटैच हो रहा है, ये अटैच नहीं हो रहा है, तो अटैच इसको करना है, कैसे करना है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है? तो चलिए इसको चेंज करते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस को, ठीक है फ्रेंड्स? तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस को कॉमन लेंगे तो वन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा, इसको इस तरफ भी लिख देंगे, इसको इस तरफ भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो चलिए थीटा देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा, ये थीटा है ना, ऑल जितना ये थीटा ही है ना, तो कॉस माइनस थीटा रहे तो इसको बाहर में पाई माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे कि माइनस में ही रहे थीटा, तो इसको बाहर में पाई हम लोग बना देते हैं, ठीक है? तो ये प्लस में आ जाएगा पॉजिटिव में, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव हम लोग करेंगे तो ये पाई से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए सर, आप लोग को पढ़ाए होंगे क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है? तो आप लोग जरूर बताए होंगे सर, ठीक है? हम तो सिर्फ डाउट बताते हैं आप लोग को। तो चलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग x बराबर टेन थीटा मानेंगे तब ना होगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, तो लेट x बराबर टेन थीटा, इक्वेशन नंबर वन तुरंत मान लेंगे झट से, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ तो समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं रटे हैं तो ट्रिगो का फॉर्मूला बहुत जल्द रट लीजिए आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि ये बहुत बार बार काम आता है, बहुत भी आई क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग को जरूर ये पूछते होंगे सर, ठीक है? कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, ठीक है? तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू थीटा, ठीक है? अब थीटा का मान हम लोग इक्वेशन नंबर वन से निकालते हैं, ठीक है? तो निकालेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? चलिए इसको आप, अब इसको डिफरेंशन करते हैं, डिफरेंशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है फ्रेंड्स? वाई का डिफरेंशन डिवाइड बाय डी एक्स, अब पाई का तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, पाई का मान तो 180 होता है, ठीक है? वो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पर माइनस दे दिया, टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स का तो ये होता है फॉर्मूला ही, ठीक है फ्रेंड्स? और एक बार अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, डिवाइड बाय डी एक्स माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स? एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये लेटेस्ट वीडियो इसी तरह आपके मोबाइल में टन आते रहेगा, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए आप 33 नंबर बनाते हैं, स्नैपशॉट ले लिए ना इसको, चलिए थर्टी थ्री नंबर में क्या है, वाई बराबर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स वन
माइनस एक्स पर पावर टू एन बाय एक्स पर पावर टू एन, यही यही है। अक्सर हर फ्रेंड इस क्वेश्चन पर एग बकाते हैं, लेकिन एग बकाना नहीं है। आज से जो भी एग्जाम एक्सप्रेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, वो एग बकाएगा नहीं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स पर पावर एन का स्क्वायर ही इसको कहते हैं, ठीक है। ए वन वन प्लस एक्स पर पावर एन का ही स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब तो सब बना लेगा यार, सब बना लेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी मेरा दूसरा जगह है, उसको तुरंत ला देते हैं। बस आप लोग मात्र मात्र एक मिनट से कम ही इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए मेरा पानी आ गया, चलिए फ्रेंड्स। थोड़ा पानी प्यास लग गया था ना, इसी कारण आप पी रहे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरह हम लोग यहाँ पर बनाए थे, इसमें इसमें बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ पर भी है। तो हम लोग यहाँ पर x को थीटा माने थे, यहाँ पर x पर n को मानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स, सॉरी यहाँ पर लेट एक्स पर पावर एन बराबर टेन थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। तो चलिए वाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा, फॉर्मूला पता ही होगा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, ठीक है। कॉस कॉस कैंसिल हो जाए तो वाई बराबर टू थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फिर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, कैसे टेन इनवर्स एक्स पावर एन, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसको नीचे लिख देते हैं। वाई बराबर क्या हो जाएगा, टू थीटा का मान इक्वेशन नंबर वन से उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स पर पावर एन, ये उस तरफ चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए इसको अब डिफ्रेंशन करते हैं, इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशन करते हैं, डिफ्रेंशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड टू डी एक्स, ठीक है। और चलिए इसको अब डिफरेंशिएशन करता है, टू टू कॉन्स्टेंट है, और देखिए टेन इनवर्स एक्स पर पावर एन है तो टेन इनवर्स का प्लेन निकालते हैं, तब एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स पर पावर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, और एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन यदि करना होगा तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो चलिए इसको फिर से अच्छी तरीके से लिख देते हैं अपनी भाषा में। तो टू एन एक्स एक्स पर पावर एन माइनस वन, ये वन प्लस एक्स पर पावर टू एन, ठीक है। यही हम लोग का आंसर आया होगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स एक्स पर पावर एन का स्क्वायर ये हो सकता है तो ये भी होगा ना, ठीक है। तो चलिए चैनल को भी एक बार और सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार नहीं, एक बार ही सिर्फ होता है, ठीक है। चलिए अब 34 नंबर बनाते हैं, ठीक है। ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको देख लीजिएगा, और उससे भी नहीं समझ में आ गया होगा तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, इसमें भी नहीं जाएगा तो एक और व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए
34 नंबर क्या है थोड़ा इंक बता। 34 नंबर पता बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अक्सर यही क्वेश्चन पर हर फ्रेंड्स मेरे आगे बकाते हैं, तो भी एग्जाम एक्सप्रेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज से एक बकाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 34 नंबर बताते हैं आज हम लोग। 34 नंबर है वाई बराबर टेन इन बार्स एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है क्वेश्चन मेरा, आप मेरा नहीं है, आर एस अग्रवाल क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अक्सर यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं रहता तब तो हम लोग झट से बना लेते हैं, यही ए स्क्वायर ही मार करता है आप लोग को और मेरे को भी, जब हम भी पढ़ते थे ना तो यही मार कर रहा था, ठीक है। तो इसको चलिए इसको बाहर कर देते, ठेल देते बाहर में, तो कैसे ठेलेंगे, वाई बराबर क्या हो जाएगा ये टेन इन बार्स एक्स बाय, इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बकाइएगा नहीं, फिर से बताते हैं, ठीक है। इसको ए को बाहर कर दिए हम लोग फार्मूला बनाने के चलते, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर को एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी अंदर कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, वही है मतलब कि सिर्फ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, वाई बराबर टेन इन बार्स ये ऊपर चला जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, एक्स बाई ए वन माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर रूट अंदर, ठीक है क्योंकि इसको हम लोग एक तरफ से ऐड करके, जैसे कि ये सब दोनों स्क्वायर है तो हम लोग क्यों नहीं स्क्वायर हटा के ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर दे दें, दोनों ही बेहतर, इससे बेहतर यही होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर लेट, यहाँ पर एक्स बाई ए को इस मान लेते हैं, एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो वाई बराबर टेन इन बार्स ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये तो फॉर्मूला आता है कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये टेन में पड़े होंगे, टेन इन बार्स साइन थीटा ऊपर में और नीचे कॉस थीटा हो जाएगा। अब इतना तक है तो जरूरी ये वाला पड़े होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वाई बराबर टेन इन बार्स टेन थीटा खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर थीटा आ गया, थीटा का मान फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से निकालते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा ये साइन इन बार्स एक्स बाय ए, ठीक है, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, ठीक है, ये लिखना जरूरी है नहीं तो नंबर काट लेगा सर जी काट लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंस टू एक्स छोटा जगह इसी कारण इसको छोटा लिख दिया, ठीक है फिर आप लोग इस तरह नहीं लिखी गए, यहाँ पर फुल डिफरेंशिएशन लिखना होगा, डिफरेंशिएशन इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जगह नहीं है इसी कारण हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वाई का डिफरेंस डिवाइडेड डी एक्स हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स का तो फार्मूला ये होता है, क्या होता है वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा पानी पी लेते हैं, और एक्स बाई ए का डिफरेंशन भी करना है ना, तो एक्स बाई ए का डिफरेंशन क्या होगा वन बाई ए, ठीक है, और ये बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए डिवाइडेड डी एक्स दिखाई देगा ना, हाँ डिवाइडेड डी एक्स, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इसको
रूट स्क्वायर को दोनों तरफ कर दी, स्क्वायर कर दी, ठीक है। ये 1/a है, ठीक है। यहाँ तक देखिए, फिर अगला यहाँ पर बनेगा, ठीक है। स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए यहाँ पर मिटाते हैं थोड़ा, जगह कम रहने के कारण फ्रेंड्स। बाहर में हवा बह रही है, ठीक है फ्रेंड। आप लोग को जो हवा सुनाई देते हुए तो क्षमा चाहता हूँ, ये ऊपर की देन है, ठीक है। चलिए d/dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसको हम ऊपर लाएंगे, रूट के अंदर है तो ए ऊपर हो जाएगा, ये भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। अरे 1/a है, ठीक है, ए कैंसिल हो गया, तो d/dx बराबर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आप लोग का आंसर आया होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो ही तभी बढ़ेगा, नहीं तो इस तरह नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा है 35 नंबर, ठीक है। 35 भी है, आज जितना भी हम क्वेश्चन बताए ना, सब भी आई, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। ला 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 ला। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है ना फ्रेंड्स, तो चलिए अगली बार से हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 35 नंबर, y बराबर साइन इनवर्स 2ax 1 माइनस, यही है ना, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम भी मिट गया है, ठीक है। देख लेते थोड़ा किताब में, यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बताते हैं आप लोग को, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर है, चलिए इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। तो साइन इनवर्स 2ax 1, ये लिख सकते हैं ना दोनों सटा के। तो चलिए हम लोग पहले क्या बनाते थे, 2x, यही ना हम लोग बताते पहले, आई यहाँ पर a है, ठीक है, यहाँ पर a है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, लेट ax बराबर साइन थीटा मान लेते हैं, तब ना साइन 2θ का फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, भाई इधर ही लिखते हैं, लेट ax बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए y बराबर साइन बार्स 2sin θ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन इन बार्स 2sin θ इंटू cos θ, आप लोग तो समझ में आ गया होगा कहाँ से लाए हम, ठीक है। तो y बराबर ये किसका फॉर्मूला, साइन 2θ का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए साइन इन बार्स साइन 2θ, ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2θ, ठीक है। चलिए y बराबर इक्वेशन नंबर 1 से थीटा का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2sin inverse ax, ठीक है, ax, ठीक है, कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो y बराबर क्या, और डिफरेंशिएशन करते हैं अब इसको, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। छोटा रहने के कारण हम लिख दिए, लेकिन आप लोग इस तरह नहीं लिखिएगा, फुल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन d/dx, 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला ही होता है, ax का डिफरेंशिएशन a, ठीक है। तो चलिए d/dx 2a
वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिस तरह क्वेश्चन में हम लोग का उसी तरह लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज जो जो इस चैनल पर नए हैं वो तो मेरा कहना ही फर्ज होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आप लोग को डिफरेंशन का भी, क्लास टेंथ का भी, ठीक है, मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।